अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग व्यूवर्स। मैं राबिया इकबाल खान हमेशा की तरह आप सब लोगों का अपने चैनल पर अपने किचन में वेलकम करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ। और आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ बिहारी कबाब ग्रिल की रेसिपी। और ये हम बिना ग्रिल बिना चारकोल के बनाएंगे अपनी प्रेशर कुकर के साथ। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में पकाने के बाद फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल परफेक्ट बिहारी कबाब जो है ग्रिल जो है बफेलो मीट का मैंने रेडी किया है। आप लोग भी इसे ज़रूर देखिए, ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर कमेंट्स बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो हम देख लेते हैं। और मैं स्पेशली इसे रमज़ान और ईद के मौके के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इस रेसिपी को आप लोगों से शेयर किया है। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा रमज़ान में और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे देखते हैं आगे कैसे बनता है। ये मैरिनेट कर लेते हैं, उसके बाद इस बफेलो मीट के कबाब को मैरिनेट करके हम फ्रिज में डाल देंगे 1 से 2 घंटे के लिए और फिर इसे रेडी करेंगे। तो चलिए पहले हम इसमें जो मैरिनेशन है वो हम इसमें करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं वन टेबल स्पून जो है गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें। उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1-2 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि ग्रिल जो है वो स्पाइसी ही अच्छा लगता है खाने में और इसमें जो है हरी मिर्चें नहीं जाएंगी। 2 टीस्पून से मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। और अब हम यहाँ पे धनिया पाउडर कोरिएंडर पाउडर जो है वो ऐड कर लेंगे, 1-2 टीस्पून ये भी जाएगा, क्योंकि ये मसालेदार ग्रिल रेडी होगा तो इसमें मसाले भी ज़्यादा डलेंगे। और यहाँ पे मैं ज़ीरा 1 टीस्पून से भर करके दूंगी, ये देख रहे हैं आप ज़ीरा है, ये 1 टीस्पून भर के ज़ीरा मैंने दे दिया है। और 2 टीस्पून मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर डाला था और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर मैं ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। रमज़ान और ईद के लिए बहुत स्पेशल डिश है, हमारे यहाँ लोग बहुत शौक से इस तरह का ग्रिल जो है पसंद करते हैं कबाब खाना, तो और इजी भी है, प्रेशर कुकर में आसानी से बन जाता है। यहाँ पे मैंने जो है 2 टेबल स्पून भर करके इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रिल जो है वो हम मैंने इस तरह से कट किया है, बिल्कुल स्लाइस जैसे कबाब का होता है। हम जब सीख कबाब बनाते हैं तो जिस तरह से ये कट किया हुआ रहता है उसी तरीके से मैंने इसे काटा है और इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे, नमक और स्पाइसी आप अपने हिसाब से डालिएगा। इसमें मैं 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा, क्योंकि नमक इसमें जो है थोड़ा सा जाएगा। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक ऐड कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च जो हमारे पास है सूखी लाल मिर्च, इसे हम थोड़ा सा तोड़ तोड़ करके ऐड कर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। आप चाहें तो इसे यहाँ पे हम थोड़ा सा लाल मिर्च का जो पीस है ड्राई लाल मिर्च सूखी लाल मिर्च, इसे हम 2 से 3 इसमें ऐसे ही साइड में रख देंगे, इसके सीड्स इसमें डाल देंगे। 2 से 3 है, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा हम इसमें लेमन ऐड कर देंगे, लेमन आप जो है मैंने एक मीडियम साइज़ का ले लिया है, सीड्स निकालना मत भूलिएगा। अब इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, मेरे पास ऑलिव ऑयल था तो मैंने ये ऐड कर दिया। आप चाहें तो इससे मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है इसलिए हम उसे नहीं ऐड कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है अपने हाथों से या स्पून से, जैसे भी हो, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से दबा दबा के इस तरह से बिल्कुल मसाले को जो है इसके अंदर मिक्स कर लेना है, ताकि ये जितना ये मैरिनेट होगा और जितना मसाला इसमें देर तक अंदर तक इसके पीसेस में जाएगा उतना ही ये टेस्टी और मज़ेदार बनेगा।
ये मैं बिहारी स्टाइल में बना रही हूँ क्योंकि बिहार में इस तरह की जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा ईद के मौके पे बनती है, और ईद और ईद उल अज़हा के टाइम जो है बहुत ज़्यादा इसको लोग पसंद करते हैं खाना। तो चलिए, है इसके पीसेस काफ़ी बड़े हैं क्योंकि हमें प्रेशर कुकर में इसे गलाना है, इसलिए हमने इसे बड़ा ही बड़ा रखा। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे पीसेस में भी काट करके बना सकते हैं। और इसे जो है इसमें अगर आप पपाया डाल देंगे, कच्चा पपाया, तो वो भी बेहतर होगा, वो और अच्छा होगा। लेकिन अगर प्रेशर कुकर में ये बनाएंगे तो उसमें पपाया की ज़रूरत नहीं है। लेमन इसमें थोड़ा सा इस काम में आसानी कर देता है क्योंकि लेमन से भी चीज़ें जल्दी गल जाती हैं, पक जाती हैं आसानी से। लिए इसे हम फ्रिज में डाल देते हैं 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, और आपको फिर बाद में ग्रिल करके दिखाएंगे प्रेशर कुकर के साथ। यहाँ पे हम थोड़ा सा कोरिएंडर लीव जो है उसे काट करके रख लेंगे और इस कबाब में डालने के लिए, और थोड़ा सा हरी मिर्चों को मैंने काट लिया है, 3 से 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 1 लेमन रख लिया है। लेमन जो है वो हम इसमें से थोड़ा सा आधा काट करके यूज़ करेंगे, और 1 मीडियम साइज़ का मैंने जो है प्याज काट लिया है, इसे हम गोल्डन फ्राई करेंगे अभी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने पूरे होल नाइट के लिए छोड़ दिया था मैरिनेट होने के लिए क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम था और हमें तुरंत बनाना नहीं था। लेकिन ये जितना देर ये मैरिनेट होगा उतनी देर ही इसका कबाब का जो टेस्ट है, ग्रिल का जो टेस्ट है, वो परफेक्ट आएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। तो आप इसको जो है कम से कम 3 से 4 घंटे या 1 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर दें, या होल नाइट के लिए 1 दिन पहले रात में मैरिनेट करके छोड़ दें, सुबह बना लें। तो चलिए, कुकर के अंदर हम थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल देंगे। इसे अभी हम सिर्फ सीटी लगाएंगे, और सीटी लगाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, 2 कप्स पानी ऐड करेंगे, टी कप से ज़्यादा नहीं पानी ऐड करना है, नहीं तो इसे ड्राई करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि इसे अभी हम सिर्फ सीटी लगाने के लिए पानी ऐड करेंगे कम से कम। ये देखिए मैंने 2 कप जो है पानी ऐड कर दिया। अब हम इसे सीधा बंद कर देंगे और प्रेशर दे देंगे, 3 से 4 सीटी इसमें लगेगा, 1 हाई फ्लेम पे और बाकी के जो 3 हैं वो लो फ्लेम पे लगाएंगे। तो चलिए इसे हम सीटी लगा के आपको दिखाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने 5 से 6 स्पून जो है टेबल स्पून से ऑयल ले लिया है, जितना हमें फ्राई करने के लिए चाहिए, और इस मीडियम साइज़ के प्याज को जो मैंने काट करके रखा था इसे थोड़ा सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे हम अच्छे तरीके से, हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, रखेंगे और रेगुलर चलाते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे तरीके से सीटी लग चुका है, बिल्कुल पक चुका है, गल चुका है, थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है, इसको हम ड्राई कर लेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून के आसपास जो है इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं, हिसाब से डालिएगा जितना आपको पसंद हो, मैं 1 टीस्पून के आसपास इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा हम इसमें धनिया जो है कोरिएंडर लीव इसे काट के डाल देंगे जो कटा हुआ था हमारे पास, अब इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए अब तकरीबन इसका जो ऑयल है, तेल बिल्कुल अलग होने लगा है और ये भून चुका है, बस 2 मिनट इसे हम और ड्राई करेंगे। देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। मैंने जो प्याज को गोल्डन फ्राई किया है उसे हम यहीं पे ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे जो हमने गोल्डन फ्राई किया था प्याज को, इसे हम ऑयल को साइड करके इसे हम ऊपर से इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम जो है हमारा इस वक्त बिल्कुल स्लो हो गया है क्योंकि ये हमें बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो चुका है और ऑयल अलग हो चुका है, इसलिए अभी हम फ्लेम इसको बिल्कुल लो पे रख चुके हैं कबाब में, और इसे 2 मिनट चलाएंगे। देखिए कि ये हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार कबाब ये रेडी हो चुका है।
इसे आप रोटी और राइस के साथ खाइएगा तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। ये अंदर स्मोक देने के लिए अगर आपके पास कोयले का कोई पीस हो चारकोल का, तो उसे इसमें डाल करके स्मोक दे सकते हैं, उससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगेगा उसके स्मोक के साथ। लेकिन हम अभी इसे इसी तरह से निकाल लेंगे, हमारे पास है लेकिन अभी हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, जब इसे कुकर में गला लें पका लें उसके बाद आप उसे फ्राई पैन में भी डाल करके इसे बना सकते हैं, ताकि आपका कुकर ज़्यादा गंदा ना हो। और ये स्पाइसी फ्लेवर है और ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लेमन के साथ। और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरी ये रेसिपी और मेरे चैनल पे जितनी भी रेसिपीज़ हैं अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इसे आप शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप लोगों को मिलती रहे। ये बेसिकली मैंने रमज़ान स्पेशल के लिए बनाया था, कि रमज़ान में आने वाले रमज़ान में ईद के मौके पे ये आप लोगों को ये रेसिपी देना था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी जो है कबाब की पसंद आएगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।